गौरीनगर में आज सुबह एक मकान में रखे गैस सिलेंडर में हुए धमाके से दहशत फैल गई। हादसे में एक ही परिवार की एक महिला सहित चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए और कई लोग घायल हो गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि मकान का अधिकांश हिस्सा ढह गया। वहीं आसपास के भी कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। घायल में महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज जारी है। गौरीनगर के जिस घर में ये धमाका हुआ है, उसके आसपास के लोगों का कहना है कि सुबह 7 बजे ज़्यादातर परिवार सो रहे थे। जैसे ही धमाके की आवाज़ आई तो लगा कि भूकंप आ गया है। घरों से निकलकर बाहर भागे, देखा तो पास के घर में ब्लास्ट हुआ था। मौके पर मौजूद भीड़ में से कुछ महिलाओं का कहना है कि रात से ही सुनीता के घर गैस लीकेज होने की बदबू आ रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। धमाके में पड़ोसी दिलीप पाटिल के मकान की दीवार भी गिर गई है। इसके अलावा विक्रम पंडित, गौरीलाल माली के मकानों की दीवारें भी ढह गई है। महेश मस्करे और धर्मेंद्र यादव के घर की दीवारें भी क्षतिग्रस्त हुई है। इन लोगों के घर पर दीवार टूटने के चलते कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। पड़ोसियों का कहना है कि सुनीता का परिवार यहाँ 8 दिन पहले ही रहने आया था, इसके चलते आसपास के लोगों से उनकी ज्यादा जान पहचान नहीं है। सुनीता के पति को भी इस घटना के बारे में फोन पर जानकारी दे दी गई है। विस्फोट में घायल पंडित परिवार की सुनीताबाई बुरी तरह झुलसी हैं। उसे बचाने में बेटा राहुल, आकाश के अलावा गांव से आया उसका भाई भी चपेट में आ गया। एक अन्य बेटे को भी चोट आई है। सभी को एक ही रिक्शा में अस्पताल पहुंचाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाका इतना जबरदस्त था कि सुनीता जिस मकान में रहती है वो पूरी तरह टूट फूट गया। घर के अंदर की दीवारें पूरी तरह टूट गई, यही नहीं घर के पिलर तक हिल गए हैं। न्यू गौरीनगर में कई छोटी बड़ी सकरी गलियां हैं, जहां विस्फोट हुआ उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि गैस की टंकी फटने के कारण इतनी बड़ी घटना हुई होगी। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे थे। कुछ का कहना था कि गैस की टंकी फटने से इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती, ये तो कुछ और ही माजरा नजर आ रहा है। विस्फोट में ठेकेदार विक्रम पंडित, ऑटो चालक सुनील पवार, दिलीप पाटिल, गौरीलाल माली, पप्पू सोलंकी, महेश मघरे, धर्मेंद्र यादव के अलावा राहुल गौतम के मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। राहुल गौतम की बेटी, बेटे और पत्नी को भी चोटें आई हैं। एक अन्य मकान धर्मेंद्र उमट का भी क्षतिग्रस्त हुआ है। धर्मेंद्र ने बताया कि विस्फोट इतना जबरदस्त था कि मकान की टान पर रखी पेटियां टान सहित दूर जाकर फिका गईं। विस्फोट का मलबा आसपास के मकानों पर भी जा गिरा। विस्फोट इतना तीव्र था कि जिसने भी देखा दहल उठा। पूरे इलाके में केवल एक ही चर्चा है कि आखिर ये विस्फोट किसका था। जो पंडित परिवार चपेट में आया है, उसका मुखिया शहर से बाहर है। जबरदस्त विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया है। जिसने भी विस्फोट की आवाज़ सुनी वो घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ा। मकान मालिक पप्पू सोलंकी, जिनका देवनगर में इलेक्ट्रॉनिक सामान का शोरूम है, कि पत्नी किरण के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। बार बार किरण कहती रही कि हमें क्या मालूम था कि यह हादसा हो जाएगा। ऑटो रिक्शा चलाने वाले सुनील पवार का कहना है कि जब विस्फोट हुआ तो उनका परिवार सोया हुआ था, लेकिन धमाके के कारण दीवारें गिर गई और वो अपनी पत्नी लता पवार, बेटी आयुषी, बेटे यमन को लेकर तेजी से बाहर भागे और जान बच गई। अगर वो नहीं भागते तो पिलर का हिस्सा उन पर गिर जाता। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।